अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील नगर परिषद हद्दीतील घरकुलांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी आज त्या वस्तीतील घाणीच्या साम्राज्यासंदर्भात जामनेर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी भोसले यांना निवेदन दिले। या घरकुलातील गटारींचे व चेंबरचे काम अपूर्ण स्वरूपात असल्यामुळे त्या भागातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून या चेंबरमधून आणि गटारींमधून ओव्हरफ्लो होऊन वाहणाऱ्या पाण्यामुळे तेथे राहणाऱ्या गोरगरीब नागरिकांना विविध आजारांना सामोरे जावे लागत आहे। नगर परिषदेने याची दखल घ्यावी अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे। इससे पहले नगर पालिका को हमने सेवा साहब को इसका निवेदन दिए थे। इसको हो गए, वो तारीख थी 29/7/2020, मतलब 2 साल हो गए। तो राहुल पाटिल करके सेवा साहब थे वहाँ पर, उन्होंने मुझे खुला जवाब दे दिए थे कि भाई नगर पालिका का घरकुल से कुछ ही लेना देना नहीं है, हम नगर घरकुल का कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने उसको सवाल किया था कि सर नगर पालिका ये घरकुल दिया किसने, हमको तो नगर पालिका से घरकुल मिले। जब नगर पालिका से हमको घरकुल मिले तो कुछ भी प्रॉब्लम आएंगी, कोई भी समस्या रहेंगे तो हम तो नगर पालिका को आके बोलेंगे ना। तो राहुल पाटिल साहब ने मुझे कहा कि भाई हमारे पास आने नहीं, हमको ये बात के बारे में कुछ बोलना नहीं, वो तुम देखो तुम्हारा कुछ भी होता है, टूट फूट होती है, कुछ भी होता है, तुम्हारे को तुम्हारे किराए पैसों से खर्चा करके करना पड़ेगा। अब ये वही बात को हो गए 2 साल। राहुल पाटिल की बदली होने के बाद में और तुमने दिए क्या किसको निवेदन दिए ना? हमने वहाँ आह्वान करे, आश्वासन, उन सिर्फ आश्वासन देते। राहुल पाटिल के बाद में तुमने जब अभी तो 2020 में अगर तुमने दिए थे, नहीं कुछ सुनवाई हुई तो तुमने और निवेदन कुछ दिए थे 2019-2020 तक हमने जो निवेदन दिए थे उसके बाद हमने उनको तोड़ी बोले कि हमने तुमको निवेदन दिए तो निवेदन के ऊपर तुम तो अभी 2023 चालू है आपका, तुमने उसके पहले बाद में दिए क्या? दिए दूसरा किसको दिए? फोन करे तो उन्होंने फोन पे ही बोले कि हमारा नगर लेना देना नहीं है, हमने एफिडेविट पे लिख के ले लें जो लगता है वो सब तुम्हारे तुम्हारे जेब से कराना है। और बाकी रही गंदगी इसकी गटर की बात, तो उनको गटर निकालने के लिए भी बार बार बोलना पड़ता था, तब कई 15 दिन में 20 दिन में इधर वो गटर निकालने आदमी भेजते थे। और ठेकेदार जो नया आया, इससे पहले नया न्यू ठेकेदार आया था पुणे का, वो उसने अच्छा काम किया। पर वो बोला ना मेरे बेटे ने जाके बोला उनको, फिर ये दिया आज कल के दिन भी गया बोलने के वास्ते निवेदन दिया। हाँ। जैसा हम भी गरीब है ना, सारे बीमार पड़ रहे लोग, सारे जीव जंतु उड़ रहे, हलाया चल रहे हमारे दरवाजे तक। हम 3 दिन हो गए पानी उपस उपस के फेंक रहे सारे संडास के कुंडे का, ये ऐसे छोटे छोटे बच्चे सारे बीमार फैल रहे इधर घरों के, सारे धड़ पे गिर रहे धड़ा धड़ा अंगों के ऊपर, संडासा गल रहे हैं, उस बाथरूम गल रहे सारे, क्या क्या काम के उससे तो बापू झोपड़पट्टी दे देते थे, कुर्ता था जगह देते थे हमारे को, तो उसमें तो भी झोपड़े बना के रहते थे हम आराम से। सारा बाथरूम में से पानी घर में घुस रहा, फायदे के घर है क्या? जैसा गरीबों ने कैसा रहना और कैसा है करना, क्या बीमारे को पैसे लगाना, क्या पेट को खाना गरीब इंसान ने? अगर कभी नगर पालिका वाले आती नहीं क्या? कोई भी नहीं आता यार, ये बिल्डिंग को कैसे अंदर आके छोड़ दिया ना सारी बिल्डिंग को, अर्जे डालो कि कुछ भी डालो, कोई आता नहीं, कोई डाकते नहीं, कोई डाकते देखता नहीं इधर आके ना ये बिल्डिंग के तरफ, ना नगर सेवा करते ना ग्राम पंचायत के ना नगर सेवा नगर पालिका के लोग आते आने जाने वालों को बोला कि देखे भाई हमारे सुंदर नाले नहीं है, कुछ नहीं है, देखे कुंडे बह रहे हैं, कोई देखता नहीं आके उधर नहीं नगर सेवा को। कितने दिनों से तकलीफ है तुमको? 3 साल हो गए। हम हमारा करते जा रहे हैं, सौता पाइप लाए, पाइप डाले हमने, अब पाइप में से पानी पास ही नहीं हो रहा, वो
हमारे घरों में घुस रहा सारा संडा अभी वो लोग हमारा काम दो तो बाया और बच्चे सब लेकर नगर पालिका के मोर्चा हम सब जने मोर्चा निकालेंगे फिर सारे बाया अंकल के मोर्चा निकालेंगे अनि बोलू हो जाएगी हम ऑफिस सब सारे घरों के धड़ पे गिर जा रहे बड़े बड़े आंगों के ऊपर रात को सो रहे सब जरा जरा बच्चे लोगों के बिल्डिंग क्यों सारा दूसरा बिल्डिंग आपको तो भी है घटना महिला सारा महिला हमारे आंगन में आ रहा फैल रहा या बातमी तिथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.